नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आज मैं आपको ब्राह्मी के पौधे के बारे में जानकारी देने वाला हूं। ये देखिए, ये इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। ये ब्राह्मी का प्लांटर, ये इसका फ्लावर। ये देखिए, एक और फ्लावर है। ये देखिए दोस्तों, ये जो प्लांट है ये बहुत ही अच्छा मेमोरी बूस्टर प्लांट है। दोस्तों, जिन बच्चों की याददाश्त कमज़ोर है, जिन्हें पढ़ने में दिक्कत आती है और चीज़ें भूल जाते हैं बहुत जल्दी, उन बच्चों को अगर इसका सेवन कराया जाए तो ये बहुत ही कारगर होता है उसके लिए, उनकी याददाश्त बढ़ाने के लिए, मेमोरी शार्प करने के लिए, रिटेंशन पावर बढ़ाने के लिए। ये दोस्तों, ये जो पौधा है ये पानी के आसपास बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये नम इलाकों में उगता है। और दोस्तों, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं, इससे बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं और ये एक एंटी कैंसर प्लांट भी है, इससे कैंसर कंट्रोल होता है। इसमें विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है और शंखपुष्पी और ब्राह्मी का शहद के साथ सेवन करके इसका पूरा पंचांग निकालने, मतलब इसको सुखा सकते हैं आप छाया में, और ऐसे ही शंखपुष्पी का पौधा होता है उसको सुखा के इन दोनों को आप पाउडर करके शहद के साथ या मिश्री के साथ अगर सुबह सुबह खाली पेट बच्चों को खिलाएं या खुद से खाएं तो जो भी व्यक्ति खाते हैं उसकी मेमोरी तो शार्प होगी और बहुत सारी बीमारियां भी कंट्रोल होंगी। और इसका प्रोपेगेशन दोस्तों, इसको प्रोपेगेट करने के लिए इसमें छोटी छोटी, ये देखिए, ये इस तरह की इसकी रूट्स होती है, बहुत माइन्यूट माइन्यूट, और बारिश के सीज़न में इसका बहुत अच्छा प्रोपेगेशन होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। इसको किसी गमले में आप इसकी रूट्स को दबा देंगे और इसमें वाटरिंग करते रहेंगे, थोड़े दिन थोड़ा सा शेड में रख देंगे इसको, और कुछ समय बाद इसका ब्राह्मी का नए नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह की जानकारी, और भी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।